गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग ऑल फ्यू वेलकम टू आर अकेडमी नीट नए नए से अजीब अजीब से हम चेंजेस करते रहते हैं सो वी आर स्टार्टिंग विद विदमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स एंड आई एम कोमल यादव जो बच्चे बिल्कुल नए हैं बेटा दिस इज लेक्चर नंबर फोर वी आर स्टार्टिंग विद अ ब्रांड न्यू तरीका ऑफ टीचिंग ठीक है तो चलिए फटाफट स्टार्ट हो जाओ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज एंड बता दो मुझे एक बार कौन कौन आ गया जल्दी अटेंडेंस शाबाश गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शाबाश और राइट सो बच्चा आई एम भाई राइट सो हियर वी आर एट इलेवन थर्टी एवरी डे इलेवन थर्टी ए एम ठीक है यूट्यूब पे एंड प्लस पे हमारे सेशन होते हैं एट फाइव पी एम प्लस पे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी थर्ड को पहली क्लास होगी ट्वेंटी अक्टूबर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी डू नॉट फॉर गेट टू एनरोल अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हो इन डिटेल्स फॉर ईच एंड एवरी बैच आई एम से आप इलेवेंथ में हो आप ट्वेल्थ में हो आप ड्रॉप बैच हो चाहे आप कोई भी हो so you are going to go forward with this. ठीक है सो यू आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड विद दिस ठीक प्लांट फिजियोलॉजी हेल्प कर देगा चलिए बच्चा लेट्स गेट स्टार्टेड दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी जहां सारे लिंक्स सारे क्लासेस के लिंक्स फ्री क्लास के लिंक्स और जितने भी क्लासेस यूट्यूब पे होते हैं अन अकेडमी नीट के चैनल पे होते हैं वो सारे टीचर्स के पी आपको यहाँ मिल जाएंगे राइट चलिए बेटा दिस इज द प्लस पार्ट दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट प्लस पे जो पांच बजे क्लासेस होती हैं उसमें आपको लाइव क्लास लाइव टेस्ट वीकली टेस्ट अनलिमिटेड एक्सेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस दिस इज ऑल यू गेट इन प्लस लेकिन इसके साथ साथ अगर आप आइकॉनिक के लिए जाते हो तो यू गेट प्लस में जो कुछ भी है फिर पर्सनल गाइडेंस टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट गाइडलाइंस स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर ये सब कुछ ऑल ऑफ दीज आर वैलिड वेन यू गो फॉर मोर देन ट्वेल्व मंथ सब्सक्रिप्शन अगर आप इसके लिए जाते हो कोमल लाइफ कोड लगा लेना आपको टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा और उसके अलावा हम तो है ही पढ़ाने को क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा बहुत सारे टीचर्स के साथ ठीक है सो मेक श्योर दैट यू आर देयर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदमी ऑफ फ्लांट्सॉट आज हमें पढ़ना था लेकिन वी वॉन्टेड कर लिए हैं दैट इज एपिड टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम राइट रेडी बच्चे नीचे ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए सारी चीजों के तो आइकॉनिक बैच में जहां पे मैं पढ़ा रही हूँ चाहे प्लस का कोई बैच है या मेधावी बैच के नाम से ही प्लस पे भी ये बैच चल रहा है मेधावी 2.0 में मैं आपको फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी प्लांट फिजियोलॉजी ठीक है तो मेक श्योर sure, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज डू लेट मी नो आई हेल्प यू आउट नो प्रॉब्लम चलिए बेटा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात कर लेते हैं देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था एपिडर्मल हो गया ठीक है ग्राउंड टिश्यू हो गया अब जो कंडक्टिंग पोर्शन है दैट इज द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमारे पास मेजरली बात हम करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम की ओके दीज आर आर कंडक्टिंग टिश्यू कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था ये याद आया जाइलम और फ्लोएम पढ़ा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इसी बेसिस पे हम डिवाइड करते चलेंगे सबसे पहला रेडियल रेडियल वास्कुलर सिस्टम ठीक है रेडियल वास्कुलर सिस्टम में क्या होगा अगर आप कट करते हो ट्रांसफर सेक्शन ऐसे मिलेगा आपको इस स्ट्रक्चर को देख के कुछ याद आ रहा है अगर मैं आपको बोलूं कि ये जाइलम है इफ आई डेल यू दैट दिस इज जाइलम बड़ा वाला जाइलम अंदर है मेटा जाइलम अंदर है मोटा जाइलम अंदर की तरफ है एंड स्मॉल जाइलम पेरिफेरी पे है प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे है दिस इज नोन एज एग्जैक्ट कंडीशन हमने बात करी थी इसके पीछे जाइलम पढ़ाते टाइम बताया था मैंने आपको है ना उसके अलावा नाउ यू ऑल्सो हैव पैचेज ऑफ फ्लोयम योर ये है बेटा फ्लोयम और ये है जाइलम मजेदार बात यह है कि मैं अगर ज़ाइलम को लोकेट करना चाहूँ तो मुझे एक रेडियस बनाना पड़ेगा देखो अगर मैं बोलती हूँ अगर मैं रेडियस इस तो डायरेक्शन में बनाती हूँ तो फ्लोएम मिलेगा तो मुझे क्या मिल रहा है हर अलग रेडियस पे जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम के पैचेस मिल रहे हैं ठीक अरेंजमेंट इज नोन एज रेडियल वैस्कुलर सिस्टम एंड एग्जाम्पल इसका मिलेगा आपको रूट रूट और दोनों के में यही अरेंजमेंट मिलता है हमको रेडियल वैस्कुलर सिस्टम इन विच इफ आई ड्रॉ अ रेडियस आई विल आई फाइंड और फाइंड फ्लोएम मेरे को एक रेडियस में जाइलम और फ्लोएम दोनों नहीं मिलेंगे कोई एक मिलेगा ठीक है कोई एक मिलेगा फिर आता है नेक्स्ट कुंट कोलैट्रल ओपन कुंजॉइंट vascular बंडल कैसा कुंजॉइंट collateral लेट्रल एंड ओपन कुंजॉइंट मतलब साथ में जुड़ा हुआ जाइलम और फ्लोएम साथ में जुड़े हुए कंजॉइंट ट्विन सुने होंगे आपने जो बाय बर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं है ना कॉन्जॉइंट ट जैसा ही यहाँ पे है जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो इफ आई जाइलम एंड फ्लोएम बाहर की तरफ ज्यादातर फ्लोएम होता है बेटा अंदर की तरफ होता है ठीक है बाहर की तरफ फ्लोएम अंदर की तरफ नारो वाले साइड में जाइलम हुआ और इसके बीच में यहां पे आपको मिलेगा मेरिस्टमैटिक टिश्यू गोइंग टू फाइंड हियर नोन एज इंट्रा अंदरियर विद इनक्यूलर केम्बियम का प्रेजेंस है मतलब कि ये सेल डिवीजन करके इसका साइज बढ़ा सकता है इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ कैसे काम आएगा सेकेंडरी ग्रोथ वाले लेक्चर में कल पढ़ेंगे ठीक है ज्यादा दूर नहीं है बस आ गए हम लोग आखिरी में

ऑडियो एजेंट फेयर अच्छा जी आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर बता देना एक बार मेरे ख्याल से तो ठीक आ रही है चलो ये बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है बेचारे बच्चे रिफ्रेश अगली बात आती है कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड ठीक है क्या डिफरेंस होगा Xylem वही है फ्लोएम वही है बस बीच में वैस्कुलर केम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकता अब ये गर्थ में इंक्रीज नहीं कर सकता ये कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखाएगा ठीक है सच इज सीन इन मोनोकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम ठीक नाउ इन सबके अलावा ये तो बिल्कुल बेसिक वाले हो गए बेटा इसके अलावा देखो मैंने कंजॉइंट कोलैटरल यहां लिखा ठीक है लाट्रल के अलावा एक और आता है कंजॉइंट बाई कोलाट्रल काफी रेयर है बाय बाइकोलाट्रल वास्कुलर बंडल जिसमें कि आपके पास आता है फ्लोयम जाइलम फ्लोयम ठीक है अगर इसको मैं थोड़ा सा कलर कर दू ना देखो यहां पे फ्लोएम आया ये येलो येलो वाला पार्ट लाइट कलर ला इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं इतना ज्यादा ओवर पावरिंगली उसको ड्रॉ नहीं करना चाह रही ज़ाइलम बीच में हुआ और फ्लोएम ऊपर फ्लोएम नीचे ऐसा वास्कुलर बंडल अगर है तो उसको हम बोलते हैं कंजॉइंट क्योंकि और फ्लोएम अभी भी साथ में चिपके हुए हैं और बाइकोलाट्रल की मैं अगर एक रेडियस खींचूं तो उसमें मुझे दो फ्लोएम मिल रहे इलम के साथ साथ दो फ्लोएम का प्रेजेंस आ रहा है मेरे पास एग्जाम्पल क्यूकरबिट्स क्यूकर बिट फैमिली क्यूकर ठीक है समझे बिना यहां तक राइट नेक्स्ट वेन यूर टॉकिंग अबाउट वैस्क्यूलर सिस्टम मेन जो दो टाइप है जो आपको बार बार देखेंगे वो तो यही है दिस इज इट ठीक लेकिन कहीं कहीं पे कुछ पुराने एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं टेरिडो फाइटा वगैरह के रिस्पेक्ट में जहाँ पे जगह कम थी या आप कह सकते हो कि जरूरत कम थी तो इसलिए जयलम और फ्लोइम को बहुत ज्यादा फैला के नहीं रखा हमने ठीक पहली बार जब वैस्क्यूलर सिस्टम इवोल्व हुआ तो वो टेरिडो फाइटा में हुआ था तो टेरिडो फाइटा में आपको इतने टाइप और वेरिएशन मिलेगा ना फैल फैल के

कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक का मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो ऐसे सर्कल्स है ना ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो याद आया राइट सो एग्जांपल में हमारे पास आ जाएंगे दो लिख रहे हो ना तुम लोग ओके सो कंसेंट्रिक वी हैव टू टाइप्स फर्स्ट इज नोन एज एम्फी वैसल एंड सेकेंड वन इज एम्फी क्रिब्रल एम्फी वैसल और एम्फी क्रिब्रल में क्या डिफरेंस है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ मैं काम करती हूं सारी जगह ना फ्लोएम को थोड़ा कलर कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे हाइलाइटर से दिस फ्लोएम ठीक है तो एम्फी वैसल में बच्चा यहां पे होगा आपका फ्लोएम अंदर की तरफ जाइलम बाहर डिफरेंस समझे एक में फ्लोएम अंदर है एक में फ्लोएम बाहर है एम्फी में फ्लोएम इज ऑन दिन ये फ्लोएम और ये पार्ट जाइलम पे जाइलम जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर अब अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी डिस्कस किया था दैट द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम इज कॉल्ड हार्ड्रोम है ना तो अगर जाइलम बीच में है तो आप इसको हार्ड्रो सेंट्रिक भी बोल सकते हो एंड सिमिलरली इसमें फ्लोएम बीच में है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम इज नोन एज लेफ्टोम सो दिस में इट ऑल्सो बी नोन एज लेफ्टोसेंट्रिक लेफ्टोम बीच में है लेफ्टोसेंट्रिक ठीक है यहां तक कर लिया बच्चा ड्रॉप चले आगे राइट एम्फी वैसल के पास आपका वो एग्जांपल्स आ जाएंगे ड्रेसिना एंड यका प्लांट ठीक है एम्फी वैसल में यू विल गेट एग्जाम्पल ऑफ ड्रेसीना एंड यका प्लांट और एम्फी क्रिब्रल में आपके पास आ जाएंगे क्यों कभी देसी में नहीं कोई कभी देसी में नहीं आएगा अम um, इसका तो लिख लो एटलीस्ट एम्फी वैसल का लिख लो मैंने एग्जांपल ड्रेस सीना एंड यक का 50 फॉर्म्स में ही आ रहा है ना आपके पास बेटा ठीक है तो ये कर लो एक और नीचे वाले में आपके पास आ जाएगा इसमें ड्रेसिंग डाइस में ना डाइस को ये शायद है एक मिनट में सलाजनला सलाजनला रेडी टू आ गया ना टेरिडो है बेटा ये याद रखना दिस इज अ टेरिडो फाइटर नॉट अ फ्लॉरिंग प्लांट ठीक है इसलिए ज्यादातर इसका एग्जाम्पल्स में दिया भी नहीं होता बट इट इज जितना वेरिएशन आप दिखा सकते हो उतनी बात है चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन डायकॉट और मोनोकोट के बीच का डिफरेंस ठीक है आई होप यहां तक लिख लिया मैं हट रही हूं साइड में लिख लो हाँ संजीवनी वाला राइट चलिए मूविंग ऑन टू डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट पहला डिफरेंस हम लिखेंगे डायकॉट मोनोकॉट रूट का अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको और इसको ड्रॉ करने बैठ जाते हैं डेर इज नो नीड टू ड्रॉ ठीक है और अगर ड्रॉ करने के लिए कभी आया भी फिर मैंने आपको फिर बताया वो चीज लाइन डायग्राम आप बनाओगे आप इतना सेल्युलर स्ट्रक्चर पेपर में बनाने नहीं बैठोगे बेटा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ठीक है तो यहां पे तो ये पिक्चर है मैं कैसे चल रही हूं समझा दे रही हूं पहले यहाँ पे ये यह पिक्चर है आई विल बी राइटिंग ऑन द नेक्स्ट पेज ठीक अब आप भी बैठ के ड्रॉ तो करने से रहे तो जो इंपॉर्टेंट है या तो आप उसको एनसीआरटी में मार्क कर लो अप टू यू लेकिन पूरा खिचड़ी हो जाएगा इसलिए मैं बोलूंगी कि अलग से नोट्स में लिख लिया जाए पेज पे लिख लिया जाए ठीक है लेट गेट स्टार्टेड विद द रूट ये है डाइकॉट की रूट और ये है मोनोकॉट की रूट राइट वेन यू लुक आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस रूट में एपिडर्मिस को हम एपी के नाम से भी जानते हैं नोन एज एपीब्लेमा ठीक है दूसरा पॉइंट रूट हेयर का प्रेजेंस देखो यहां जरा इधर देखो ज्यादा है कंपेरेटिवली लेसर रूट है क्योंकि अगर आप रूट देखते हो मोनोकॉट की तो वो फाइब्रस ऑलरेडी है फाइब्रस रूट सिस्टम आता है उसका तो इंडिविजुअल हर रूट के अंदर रूट हेयर ज्यादा नहीं दिखेंगे आपको यहां जरूरत हमें थोड़ी ज्यादा है क्योंकि उसके लिए हमने कुछ काम भी तो करना है तो एक काम करो डायकॉट रूट मोनोकॉट रूट ठीक है इनके जो अपने इंडिविजुअल फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वो हम यहां लिखेंगे कॉमन पॉइंट्स को बीच में लिखेंगे ठीक है ड्राइंग अ स्मॉल डब्बा फॉर इट okay this is how we are going so in this column i'm going to write the common points or risquey or iske differences point number one common point outermost happy पी इसमें पॉइंट नंबर वन मोर रूट हेयर लेस रूट हेयर समझे कैसे जाने वाले हम आगे तीनों के लिए ऐसा ही करना करते चलना है ठीक है बच्चा हाँ जी चलो नेक्स्ट डायग्राम देखो अंदर की तरफ आते हो आप कॉर्टेक्स में मैंने आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ाते समय बताया था हाइपोडर्मिस इज एप्सेंट तो कॉमन पॉइंट में आएगा सेकंड पॉइंट हाइपो डर्मिस एपसेंट बढ़िया पूल cool. इपोडोमिस एपसेंट दोनों में नहीं मिलेगा दोनों के अंदर कॉटिक्स इज मेड अप ऑफ फैरन कायमा और किसके काम आ सकता है बैठा है खाली तो हो सकता है कि स्टोरेज के काम आ रहा हो देर इज अ पॉसिबिलिटी दट इट माइट बी हेल्पिंग इन स्टोरेज पीछे देखो कॉर्टिकल रीजन कॉर्टिकल रीजन ठीक आप एंट्री मार देते हो सबसे अंदर वाले लेयर में ऑफ द कॉर्टेक्स तीन कॉर्टेक्स के हाइपोडर्मिस मिडिल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस सो यू आर इन इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस की बात की जा रही है ठीक इन एंडोडर्मिस रूट में है बेटा ये रूट में एंडोडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा पर एंड डिपॉजिटेड नोन एज कैसपेरियन स्ट्रिप दोनों में मिलेगी एंड इट विल भी एक्टिंग एज अ चेक पॉइंट दोनों में दोनों में इट इज एक्टिंग एज अ चेक पॉइंट देन गुड शाबाश। जो बच्चा, class -class में नहीं थे प्लीज, का सारा डिटेल्स कैसे काम करता है कैसा स्ट्रक्चर होता है क्लास sure मैंने वही बोला था कि पहले तीन क्लास अब इकट्ठे होने लगेंगे इन्फॉर्मेशन अब जुड़ने लगेगी बात अब आप देख रहे हो कितने आराम से आप कारण कायमा वर्ड यूज कर रहे हो कितने आराम से आप क्लेरन कायमा बोल रहे हो कितने आराम से कितने आराम से फ्लोएम अगर पहली क्लास में जाइलम और फ्लोएम्स को इतने आराम से डिटेल में नहीं समझाया होता तो अभी वो प्रॉब्लम होती तो पहले तीन क्लास इंट्रोडक्टरी था एक तरीके से अब चीजें साथ में जुड़ने लगेंगी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट नाउ यू एंटर इन साइड एंडोडोमिस बेटा जो भी पोर्शन इन साइड एंडोडोमिस है वो सारा क्या कहलाता है स्टील सो एवरी थिंग एवरी टिश्यू इन साइड एंडोडोमिस इज अ पार्ट ऑफ स्टील ये स्टील की स्पेलिंग ए वाली है एस टी एल ई तो एंडोडोमिस के बाद जितनी ये सारी चीजें है ना ये सारा पोर्शन क्या कहलाएगा स्टील क्या क्या आ गया पेरीसाइकल पिथ मेड्यूलरी रेज एंड वैस्क्यूलर बान्यूल और वैस्क्यूलर सिस्टम चार चीजें आ गई अंदर की तरफ ये पूरी एर, पूरा एरिया क्या कहला रहा है स्टीलर रीजन इसके अंदर वाला पार्ट सारा स्टीलर रीजन ऊपर वाला सारा पार्ट एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन क्या बोला इस रीजन को यहां तक वाला एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन बीच वाला पोर्शन स्टील या स्टीलर रीजन ठीक है स्टीलर रीजन का फर्स्ट आता है हमारे पास पेरीसाइकिल क्योंकि हम रूट में हैं, बिकॉज वी आर इन रूट पेरीसाइकिल इज इंपॉर्टेंट यहां पे, पेरीसाइकिल फॉर्म्स लेटरल रूट्स ठीक है एंड इनवॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ वैस्क्यूलर केम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान आपके पास पेरीसाइकल हेल्प करेगा नया केमियम बनाने में ठीक है दिस इज सस्पेंस आई एम लिविंग फॉर द नेक्स्ट क्लास आगे आएगा चैप्टर में वहीं पे मोनोकोट में अगर आप पेरीसाइकिल देखोगे पेरीसाइकिल नॉट इनव इन सेकेंडरी ग्रोथ क्योंकि बेटा सेकेंडरी ग्रोथ नाम की चीज मोनोकॉट में होती ही नहीं है गर्थ में इंक्रीज होता ही नहीं घास को देखो ग्रास देखो या फिर आप बहुत बेसिक एग्जाम्पल देखो बैनियन ट्री जो हंड्रेड इयर्स ओल्ड होगा उसका ट्रंक देखना आप ठीक वही है वहीं पे बैम्बू स्टिक विच इज हंड्रेड ईयर ओल्ड मैक्स इतना दिस इज इट गोस टू है ना वेर एज बैनियन ट्री विच इज हंड्रेड इज ओल्ड समझे डिफरेंस So, that is girth -wise increase. क्योंकि आप वैसे भी देख सकते हो कि इतना ज्यादा बायोमास जनरेट भी नहीं किया उसने शुगर uh, केन ने या बैंबू ने बैंबू इज नॉट गोइंग टू बिकम सच एंड सपोर्ट की जरूरत नहीं थी इसलिए उसने ग्रोथ नहीं करी गर्थ में बैनियन ट्री का ऊपर देखो आप कितना बड़ा पेड़ है उसको संभालने के लिए उसको सपोर्ट करने के लिए आई नीड टू क्रिएट दैट मच ऑफ गर्थ अदरवाइज वो ऊपर वाला पार्ट सला धड़ा में गिर जाएगा नीचे ठीक है

वट आर दीज वैस्क्यूलर सिस्टम नोन एज जिसमें कि आपके दोनों जायलम और फ्लोएम अलग रेडिया पे होंगे रेडियल वैस्कुलर सिस्टम ये वाला फिफ्थ पॉइंट वैस्क्यूलर सिस्टम दोनों में रेडियल दोनों में रेडियल और क्योंकि ये रूट है तो जाइलम जाइलम इज गोइंग टू बी एग्जार्क अरेंजमेंट एग्जार्क मतलब प्रोटो वाला बाहर है मेटा इनसाइड लुक एट दिस रूट मैंने डायकॉट मोनोकॉट मेंशन नहीं किया क्योंकि दोनों में सेम ही बात होती है ठीक है अब ये वाली बात यहां है प्रॉब्लम समझ रहे हो कहानी कि पहले दो क्लास नहीं अटेंड करोगे तो ये एग्जार्कोरिसकिल समझ ही नहीं आएगी बात इफ यू डू नॉट फॉलो द ऑर्डर ऑफ़ द चैप्टर ऑब्वियसली आप पहले पैराग्राफ पढ़ते हो और फिर एबीसीडी समझने निकलते हो तो गलत है वो चीज यू नीड टू नो द मीनिंग्स ऑफ द कॉम्पोन तभी इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस अभी आपने जो बच्चे रेगुलरली आ रहे हैं क्लास में उनको ये फील हो रहा होगा कि हाँ ये पढ़ा था पढ़ा था, नाम सुनाटिक्स क्या होता है पता पता है, पता ये वाला रीजन हाँ पता है और कुछ नहीं तो इतना तो पता है कि कल पढ़ाया गया था है ना? कि कल पढ़ाया गया था नोट्स में है कहीं पलट लेंगे नोट्स नंबर ठीक है वेरी 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 हम्बल रिक्वेस्ट जिस बच्चे ने सेशन नहीं देखे हैं तीनों चारों सेशंस कंप्लीट करके कल की क्लास में बैठोगे बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ इज समथिंग दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट अगर आप बेसिक पॉइंट्स नहीं जानते हो तो ठीक है चलिए आगे पेरी में लुक एट दायलम इज मेरा एग्जैक्ट कंडीशन के अंदर टूवर्ड्स देंटर एंड सिमिलरली इसमें भी बट डिफरेंस क्या दिख रहा है डिफरेंस ये दिख रहा है कि ज़ाइलम और फ्लोएम के पैचेस यहां ज्यादा है आई सी लार्ज नंबर ऑफ ज़ाइलम अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लोएम यहां चार ही दिख रहे ठीक है डिफरेंस नंबर थ्री ज़ाइलम एंड फ्लोएम पैचेस मे रेंज फॉर टू थ्री और फोर और फाइव एट मैक्स टू थ्री फोर और फाइव ठीक है अगर दो है तो उसको हम कहते हैं डायर्क तीन पांच है तीन जाइलम तीन फ्लोएम है अगर तो दैट इज नोन ट्रायक चार के है चार जाइलम चार फ्लोएम ऑल्टरनेट टेट्रार्क पांच है पेंटार्क लेकिन अगर इससे ज्यादा है डायकॉट में नहीं मिलेंगे डायकॉट में नहीं मिलेंगे ज्यादा आपको यहां पे मिलेंगे तो जाइलम एंड फ्लोएम जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस आर मेनी इन नंबर मल्टीपल मल्टीपल पैचेस यू फाइंड एंड दैट इज मल्टीपल पार्स में क्या आ जाएगा पॉलिर्क वैस्कुलर सिस्टम ठीक है रेडियल क्योंकि अरेंजमेंट वैसा है जाइलम का अरेंजमेंट एग्जैक्ट कंडीशन का है और टोटल नंबर के बेसिस पे ट्रा, डायट्रॉक ट्राय पेंटार्क ज्यादा पॉलीआर्क पॉलीआर्क क्या मिलेगा इससे ज्यादा यूजुअली नहीं होते हैं ठीक अब आगे गोइंग बैक टू द स्ट्रक्चर अगेन लुक एट दीच में पहुंचो बिल्कुल बीच, बीच पहुंचो रीच इन देंटर ऑफ इट डायट में यहाँ पे फिर भी थोड़ा दिखा दिया इतना पिथ नहीं होता हो जितना इन्होंने दिखा दिया ठीक है तो इन डायकॉट पॉइंट नंबर फोर पिथ इज स्म एंड इन कॉन्स्पिक्यूअस इनकॉन्स्पिक्यूअस मीन्स नॉट विजिबल विद नेकेड आई अगर आप ट्रांस उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करोगे बीच में झाकोगे आपको ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं सारा जायम फ्लो एम बना हुआ है देर इज नो पिथ्स ठीक है किसमें डायकॉट के रूट में लेकिन मोनोकॉट के रूट में आपको पित बहुत बढ़िया दिखेगी मोनोकॉट के रूट में यू विल फाइंड लार्ज कॉन्सपीक्स पित और पित कौन से सेल्स का बना होता है किस टिश्यू का बना होता है पित पैरन कायमा तो क्या कर सकता है स्टोरेज जिंदगी सुकून में ठीक है दिस इज डाइकॉट रूट गाइस रेडी डन जल्दी कॉमेंट सेक्शन में एक बार बता दो कंप्लीट हो गया तो आवी डन ट हम्म परफेक्ट परफेक्ट चले बच्चा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दिस इज ऑल्सो रूट है ना डायकॉट मोनोकॉट रूट हो गया अब हम आ जाते हैं करना करना चाहो चाहो तो तो कर लो लेकिन नहीं करना तो भी. चले ठीक है अब सबसे मजेदार बात यह आती है कि यहाँ आप स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हो मोनोकॉट तो में कि कुछ खास हमें पढ़ना नहीं है लेबलिंग देखो कुछ खास पढ़ना नहीं यहां कुछ ज्यादा ही पढ़ना है डायकॉट स्टेम ठीक तो शुरू करते लेट्स ड्रॉ द बॉक्स दैट वी वांटेड टू ड्रॉ ठीक है इस बार डायकॉट स्टेम वाला थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे स्ट्रक्चर मोनोकॉट को थोड़ी कम जगह देंगे वैसे भी कुछ है नहीं मोनोकॉट में ठीक है सो कॉमन पॉइंट्स में ये आएगा डायकॉट स्टेम टेम ओके एंड डिफरेंसेस में यहाँ है नहीं है बात सारी कॉमन mm, पॉइंट्स में क्या आएगा चलो so, Non वैन वी कैन राइट इट here. ओके okay. सो so, यहां पे आ जाएगा मोनोकॉट स्टेम के पॉइंट्स मोनोकॉट स्टेम के पॉइंट्स एंड वी आर गोइंग टू राइट डाउन द कॉमन पॉइंट्स हियर कॉमन पॉइंट्स काफी कम मिलेंगे बट ठीक है लिख लेते हैं कुछ पॉइंट नंबर वन आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है एपिडर्मिस है देखो इसको एपिडर्मिस की कहानी तो सेम ही रहती है बेटा आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव पैरेंकाइमा सिंगल लेयर वो तो कॉमन वाले पॉइंट कहीं नहीं जाएंगे कॉमन वाला पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पड़ा था मोस्ट है प्रोटेक्टिव है और है और सिंगल हेड ठीक है वो तो रहना ही है डिफरेंस पॉइंट क्या है मोर नंबर ऑफ ट्राइकोम्स ऑन स्टेम लेस ट्राइकोम्स ट्राइकोम्स आर आउटग्रोथ सरफेस पे सरफेस की आउटग्रोथ जा रही है ठीक है दूसरी बात एपिडर्मिस तो आपका नॉर्मल सिंगल लेयर ही रहा अंदर आ जाते हैं इनसाइड टू दी एपिडर्मिस कम्स हाइपोडर्मिस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वाला कॉलम खोल के देखो कल के नोट्स में यू विल फाइंड कि मैंने हाइपोडर्मिस वहीं लिखवा दिया था इन हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस इन डाइकोट इज कोलेंकाइमेटस पैरन कायमा भी हो सकता है बट कॉलन काइमाटिस और यहां पे आपके पास आ जाएगा हाइपोडोमिस स्क्लेरन काइमाटिस स्क्लेरन कायमा लगा दिया उसने ठीक है स्क्लेरन काइमाटिस हाइपोडोमिस फिर थर्ड लेयर वेल डेवलप्ड कॉटेक्स वेल डेवलप्ड कॉटेक्स का मतलब क्या होता था वेल डेवलप्ड कॉटेक्स इज सपोज टू भी हाइपोडोमिस मिडल कॉटेक्स और एंडोडोमिस तीनों होने चाहिए देखो हाइपोडोम पारन कायमा वाला जो पार्ट है दैट इज कॉटेक्स और हाइपोड एंडोडोमिस तीनों है स आई हैव अ प्रॉपर वेल डेवलप्ड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या कॉर्टिक्स कॉर्टिकल रीजन सब खिचड़ी हो गया सब खिचड़ी हो गया हाइपोडमिस के बाद सब कुछ ग्राउंड टिश्यू हैथिंग सब कुछ सिर्फ बैकग्राउंड टिश्यू है और बैकग्राउंड में किसको भरते हैं हम ग्राउंड टिश्यू किसको बोलते हैं हम पैरन कायमा तो ये पूरा जो पीछे ग्रीन दिख रहा है जरूरी नहीं है पूरा रीजन ग्रीन ही हो क्योंकि आप जानते हो कि पैरेन्काइमा नॉट नेसेसरली विल ऑलवेज बी ग्रीन लेकिन मोनोकोट की स्टेम्स आर यूजुअली पतले और हरे रहते हैं ज्यादातर तो दिस इज योर होल पैरेन्काइमा इन द बैकग्राउंड ठीक तो पॉइंट नंबर वन वेल डिफरेंशिएटेड और वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स पुअरली डिफरेंटेड ग्राउंड टिशूरली डिफरेंशियटेड ग्राउंड टिशू है ही नहीं भाई सब पीछे कोई लहर ही नहीं है एवरीथिंग इज जस्ट पैर कैमा है ना ऑल एवरीथिंग इज जस्ट पैर एंड कैमा नथिंग एल्स कॉमन पॉइंट तो अभी आया ही नहीं है कॉमन पॉइंट पे आएंगे भी थोड़ा लेट चलो फोर्थ लेयर एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस इज एक्टिंग एज अ स्टार्च ले रूट में तो चेक पॉइंट का काम करती है अब वो काम यहां तो कर नहीं सकते कैश पेरेंट श्रिप वाला लगा के सुबर यहां डिपोजिटेड नहीं है तो इसने क्या बोला ला मैं स्टोर कर लेता हूं कुछ स्टोर स्टोरेज के लिए मुझे स्टार्च दे दो इसके पास तो एंडोडर्मिस ही नहीं है एंडोडमिस एप्सेंट एंडोडोमिस एप्सेंट ठीक नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट वी एंटर द स्टीलर रीजन कहा एंटर कर गए हम स्टील में एंटर कर गए, आउटसाइड एवरीथिंग इज़, एक्स्ट्रा स्टीलर, अब अंदर जहां पार्ट आएगा स्टीलर रीजन, रीजन, वी एंटर ठीक है, अब पेरीसाइकिल में जब आप आते हो मोनोकॉट में तो है ही नहीं इज नो no लेकिन डायकॉट में जो डायग्राम आपको दिया हुआ है ना ये जो पिक्चर आपको दी हुई है दिस इज अ पिक्चर ऑफ हेलियां सनफ्लॉर अब सनफ्लावर में हमारे पास पैचेस आ जाते हैं बेटा ठीक है वी टॉक अबाउट पेरीसाइकल पेरीसाइकल शोज पैचेस ऑफ पैरन कायमा एंड स्क्लेरन कायमा यह हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है ठीक है ये हरेक के लिए एप्लीकेबल नहीं है पेरीसाइकल एप्स ये हरेक के लिए एप्लीकेबल है पेरिसाइकल एब्सेंट इन मोनोकॉट डायकॉट के अंदर पेरिसाइकल इन पैचेस ऑफ पैरनकाइमा इन क्लेर हो सकता है नॉर्मल सिर्फ पैरनकाइमा भी लगा हो मल्टीपल लेड होगा बहुत सारे लेयर्स होंगे लेकिन इट इज जस्ट वेरी सिंपली देयर कि नॉर्मल पेरेंट का भी हो सकता है ठीक है नॉट एन इशू देयर, राइट ठीक है बच्चा चलो आगे हाँ तो ये बात तो यहां तक हो जाती है अब आते वैस्कुलर सिस्टम लुक द सिस्टम अरेंजमेंट देखो ये वैस्कुलर बंडल्स अरेन्ज इन रिंग है मैंने ये वाले ये वाले वैस्कुलर बंडल्स को एक रिंग में अरेन्ज कर दिया है वैस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन अ रिंग आ दिस रेडियल वैस्कुलर सिस्टम ये दो अलग चीजें हैं रेडियल वैस्कुलर सिस्टम लाइन खींचोगे जाइलम अलग आएगा फ्लोएम अलग आएगा ठीक है और यहां पे वैस्कुलर बंडल्स को रिंग में अरेंज किया गया है सो पॉइंट नंबर सिक्स वैस्कुलर सिस्टम वैस्कुलर बंडल्स अरेन्ज इन अ रिंग एक सर्कल में अरेन्ज है वो ठीक है और वैस्कुलर बंडल कैसे हैं? दिस वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट कोलैटरल एंड ओपन कॉन्जॉइंट कोलैटरल एंड ओपन आप देखो अंदर रेड वाला जो पोर्शन है वो जाइलम है थोड़ा सा ब्लू सा जो पैच है वो फ्लोएम है और बीच-बीच में आपको लाइन दिखेगी ग्रीन ग्रीन हल्की-हल्की सी दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लुकिंग लाइक दिस डाइकोट स्टेम मिला डाइकोट स्टेम में ये वाला vasculaire बंडल हमने रिंग में अरेंज कर दिया तो vasculaire बंडल्स का कंजॉइंट कोलेटरल एंड ओपन अरेंज्ड इन अ रिंग ये इधर आई बात फ्लोएम इसमें इस जाएंगे मोनोकोट में vasculaire बंडल्स स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू ग्राउंड टिश्यू में पूरा का पूरा वैस्कुलरस वैसक्यूलर बंडल्स स्कैटर्ड है और वैस्क्यूलर बंडल्स कैसे हैं दे आर पुनजॉइंट कोलैट्रल Closed, conjoined collateral and closed look at this पूरे में फैला हुआ है मिल गया लिख लिया बेटा यहां तक जल्दी जल्दी स्पीड थोड़ा लिखने में शाबाश मैस लेकिन अब देखो ध्यान दो एक चीज का बड़े वाले वैस्कुलर बंडल बीच में हैं और ये पेरिफेरी पे छोटे-छोटे वैस्कुलर बंडल्स हैं जैसे स्पाइडरमैन जैसे दिख रहे है है ना छोटे-छोटे वैस्कुलर बंडल्स आर एट द पेरिफेरी द लार्जर वंस आर इन द सेंटर तो ये चीज भी मेंशन करेंगे वैस्कुलर बंडल्स स्मॉल एट पेरिफेरी ग्रोथ नहीं करनी मैं जितना हूं ना मैं उतना ही हूं मैं इससे ज्यादा नहीं फैलूंगा तो ये क्या करता है अपने हर वैस्कुलर बंडल के साइड में लगा देता है स्कलैरन काइमा स्टेम में स्टेम में क्या करता है बड़ा दिमाग लगा इसने बोला साइड में तो ग्रो करना नहीं तो यार एक काम करते हैं दोनों तरफ ना यहाँ पे पूरा चारों तरफ एक काम करते हैं स्कलैरन कायमा लगा लेते हैं so there is a sclerenchymatous layer around these vascular bundles sclerenchymatous kya kehlata hai ye bundle sheath बेटा ये stem की बात हो रही है leaf की नहीं leaf अलग है स्टेम हो रहा है ये मोनोकोट के स्टेम में वैस्कुलर बंडल की चारों तरफ स्क्लेरन काइमा का लेयर लग जाता है उसको भी पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हो जगह है आपके पास तो राइट इट डाउन दैट देयर इज अ स्क्लेरन काइमेटस स्क्लेरन बंडल शीट अराउंड वैस्कुलर बंडल्स इन स्टेम ठीक है समझे बेटा यहां तक क्लियर ठीक हाँ. बात हुई यहां तक समझ में आया आयाट्रल ओपन बंडल्स बनल मैम कॉमन में लिख दो कुछ ठीक है तो कॉमन पॉइंट्स में लिखते हैं कुछ पॉइंट नंबर वन जाइलम का अरेंजमेंट जो आएगा स्टेम में वो आता है एंड बस ठीक है

Conspicuous, अरे यार क्या लिखे हूं कॉन्सपिक्यूस एंड पैर कईमाटिस और उसमें से ही निकलते हुए हमारे पास आ जाते हैं मेड्यूलरी रेस Which are again parenchyma or function radial conduction, radial conduction चीजों को साइड में ले जाना ठीक है इसकी बात करोगे सेवेंथ नोपिथ और मेडुलरी रेस आप देखो कैसे हालात बदले जज्बात बदले यहाँ पे पहले पिथ नहीं था रूट में देखो रूट में स्मॉल दिख रही थी एबसेंट और हो सकता है हॉलो भी हो जाए कभी, कभी कभार गड्ढा ही हो जाता है आपने देखा होगा ग्रासेस वगैरह में आप कट करो बीच में छेद निकलता है ठीक है पॉसिबिलिटी so, इन ठीक है हाँ जी बेटा पारन कायमा तो रहेगा ही पारन कायमा पैरन कायमा यही तो चमत्कार है जहां चाहिए वहां पे फैला हुआ पैरन कायमा पैरन कायमा लगा हुआ जिंदगी में हमारी बस राइट डन विद डैट एंड मोनोकॉथ स्टेम टिंक वेरी इजी डन ढनत पित का क्या हुआ पिचक गया खत्म यहां तो देखो ना या तो टिश्यू बैठा है बीच में इसमें एक ये, ये वाला पॉइंट आप जगह नहीं है ठीक है ये एवोल्यूशनरी फंक्शन वाली बात है जैसे जैसे जो जो चीज काम आती चली गई वैसे वैसे अडेप्ट होता चला गया क्यों का एक ही पॉइंट है सर्वाइवल अडेप्टेशन

देन दैट मीन्स यू आर एडवांस है ना एक होता है ना घर घर से निकले सौ बैग लेके चल रहे अरे यार चार दिन का ट्रिप था तू तो तीन बैग लेके आ गई एक इंसान आया ना सीधा इंस नॉर्मल अपने घर वाले को स्कूल लेके था उसमें एक टी शर्ट डाली एक पजामा डाला टूथब्रश डाली चलो बेटा कहाँ चलना है सरवाइविंग ऑन लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड नॉट जी सर्वाइविंग फेलोइंग एवरीवेयर कम कैरेक्टर है कंपेरिटिवली तो चीजें जैसे जैसे जिसको जो रिक्वायरमेंट थी वैसे इवॉल्व करती चली गई क्यों मैम यहां पर इतने सारे हैं कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स अडेप्टेशन ओके डन विथ डायकोट स्टेम मोनोकॉडेम थिंक वेरी मच कंप्लीटेड अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में एक एक लाइन और है जो गड़बड़ कर रही होगी इसके अंदर जब आप झाकोगे ना गैसक्यूल बंडल के अंदर इसके जाइलम में मोनोकॉट के जाइलम में यू विल फाइंड वॉटर कैविटीज पानी स्टोरेज का तरीका है उसका वो और कैविटीज के लिए कभी कभी हम एक वर्ड यूज कर देते हैं लाइसोजेनिक दिख एक अलग शीट पे बता रही हूं मैं ये बात थोड़ा ध्यान देना है इस पे लाइसोजेनिक शाइजोजेनिक लाइसो शाइजोजेनिक जेनिक दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैविटीज गड्ढे अलग अलग तरीके से कट्टे बनाने हमको लाइसोजेनिक सेल्स थे बीच का वॉल काला ही नहीं चलेगा बीच का वॉल लाइस हो जाता है सेल फट गया से बाउंड्री बाउंड्री रह गई कैविटी बन गई बीच वाला पार्ट

ये इतना कॉमन नहीं है शाइजोलाइजोजेनिक इन दोनों का मिक्सचर ऐसी कैविटी जो कुछ सेल्स के बर्स्ट होने से और कुछ सेल्स के रिसीड होने से इकट्ठे बनी हो ठीक है कुछ सेल्स पीछे हो गए कुछ सेल्स बर्स्ट हो गए कुछ सेल्स बर्स्ट हो गए कुछ सेल्स ऐसे हो गए कैविटी बनी गड्ढा बना इन कैविटीज के अंदर वाटर स्टोरेज हो जाता है फॉर ऑब्वियसली एडवर्स कंडीशन संभाल के रखना चाहता है पानी क्या प्रॉब्लम है ठीक है तो लाइसोजेनिकाइसिस तो मतलब फटना है सेल फट गया लाइसोजेनिक, शाईजो -लाइसोजेनिक, पीछे थोड़ा सा हो के जो बनी बीच बीच के बेसिकली, इंटर स्पेस है वो अगर ज्यादा बड़े इंटरसेल्युलर स्पेस है इस, इस आ जाएंगे दोनों का कॉम्बिनेशन सच कैविटीज माइट बी प्रेजेंट जाइलम और नियर जाइलम फॉर स्टोरेज ऑफ वॉटर ठीक है चलो अब आता है डाइकोट मोनोकॉट लीफ गेट स्टार्टेड हो जाओ शुरू फटाफट ड्रॉ नहीं करने का है। टाइम नहीं टाइम बहुत कीमती है तुम्हारा ठीक है प्रैक्टिकल फाइल में तो बनाओगे ही तो ड्रॉ तो तुमको करना आ ही जाएगा मेरे नोट्स में इनको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है प्लीज डोंट वेस्ट इन कॉपोइंग करोइंग बकवास चीज सर्कल गोले बना के ग्रीन कलर में भरना नहीं नहीं डोंट डोंट डू इट ठीक है पॉइंट दिमाग में कॉन्सेप्ट पॉइंट क्लैरिटी ज्यादा जरूरी है ठीक डायकॉट मोनोकोट, पहले बात करते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की बात हो रही थी डायकॉट और मोनोकोट, कॉमन पॉइंट्स बेटा यहाँ पे बहुत रेयर है तो मैं वो अब कॉलम नहीं बना रही हूँ मैं सिर्फ डायकॉट मोनोकोट के डिफरेंसेस लिख रही हूँ ठीक है देर वेरी लेस कॉमन पॉइंट लेफ्ट तो वे जस्ट गोइंग टू राइट डायकॉट लीव एज अडिंग

एपिडर्मिस ठीक है चलो अपर एपिडोम ऊपर वाले एपिडर्मिस पे स्टोमाटा नहीं है इसके पास है छोटू सा टोमाटा देखो गार्ड सेल मिला नीचे भी एक गार्ड सेल मिला ठीक है स्टोमाटा सिंगुलर स्टोमा सिंगुलर स्टोमाटा प्लूरल ये आ गया है? देखो यहाँ पे सिर्फ लोअर वाले पे ठीक है डाइकॉड लीफ में नीचे वाले एपिडर्मिस पे आपको टोमाटा मिलता है मोनोकॉर्ट में दोनों पे मिलता है शाबाश एपिडर्मिस स्टोमेटा ऑन अबैक्शल एपिडर्मिस मैं क्यों अबैक्शल लिखी मैं क्यों नॉर्मल लोअर क्यों नहीं लिखी क्योंकि आदत डालनी है कॉम्प्लेक्स वर्ड्स की भी थोड़ी ठीक है अबैक्शल में आता है बी बी फॉर बेस बेस इज द लोअर एपिडोमिस नीचे वाला एपिडोमिस का नीचे वाला इसमें ऑन बोथ बोथ ठीक है क्योंकि टोमाटा दोनों एपिडोमिस पे है इसलिए इसके पत्ते को स्टोमाटा के बेसिस पे स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन दिस साइड एंड दिस साइड आप मैंने पहले भी बोली थी ये बात जब आप मोनोकॉट का लीफ देखोगे क्या डिफरेंस दिखेगा आपको डायकॉट का लीफ बेटा ऐसे लगा होता है यू विल सी दिस दिसकॉट का लीफ ऐसे लगा होता है स्ट्रेट ना? ऐसा ये अगर स्टेम है तो लगा होगा मोनोकॉट का लीफ ना हल्का सा इसको ऐसे कवर करके आता है तो देखो एक एंगल पे आ गया ना दोनों तरफ टमाटा लगाएगा ऐसे पत्ता और ऐसे पत्ता डिफरेंस है तो दिस इज डाइकॉट तो सिर्फ नीचे वाले पे लगा दिया टमाटा ठीक है ऐसे पत्ता तो दोनों तरफ बराबर लगाएगा टोमैटो ऑन द बेसिस ऑफ टोमैटो वी कॉल दिस एज एम्फी स्टोमैटिक एम्फी स्टोमैटिक लीफ ठीक है इसमें सिर्फ नीचे वाले एपिडोमिस पे था इसलिए इट इस इज नोन एज लोअर एपिडोमिस है ना बिलो हाइपो स्टोमैटिक लीफ किसके बेसिस पे बोला जा रहा है स्टोमेटा के प्रेजेंस की वजह से बोला जा रहा है बढ़िया नेक्स्ट पॉइंट एपिडर्मल टिश्यू हो गया नाउ लेट्स गेट इनसाइड द सेल एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम नाउ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन लीफ इज नोन एज मेसोफिल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम यहां पे एक अलग नाम से जानते हैं एंड दैट इज मेसोफिल पॉइंट नंबर 2 फिल मीजो मीन्स मिडिल लीफ का मिडिल वाला पार्ट मीजो फिल दोनों में ट्यूइंग ट्यूइंग राइट द मीजो फिल दैट यू हैव योर इज वेरी इंटरेस्टिंग दिख नहीं रहा ना येलो नहीं दिखेगा भी चलो अच्छी बात है हाईलाइटर बकवास नहीं करते हैं दिस इज नाइस ये वाइट शीट यूज करने का फायदा ठीक है चलिए ये भी करेगा <laughs> चलो आ जाओ मीजोफिल वेल डिफ्रेंशिएटेड मस्त बनाया हुआ हमने एकदम वेल डिफ्रेंशिएटेड कैसे मीजोफिल इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट टू टाइप ऑफ सेल्स स्पॉन्जी पैरन एंड पैलिसड पैरन कायमा स्पॉन्जी पारन कायमा पीछे देखो जरा लुक एट द डायग्राम दिस इज पैलीसेड पारन कायमा एंड दिस इज स्पॉन्जी पारन कायमा पैलिस पारन कायमा में लंबे लंबे सेल्स हैं और एकदम साइड बाई साइड लगे हुए हैं ठीक है नाइंटी डिग्री एपीडोमिस के देखो तो नाइन्टी डिग्री पे है और इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है ठीक है? और किधर है ऊपर की तरफ, तो ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। पहले पारे से पारंकाइमा, towards adaxial surface, adaxial dorsal में D आता है, adaxial में D आता है, अपर ऊपर वाला, towards adaxial एपिडर्मिस नो inter cellular space at 90 degrees to uh, epidermis long elongated cells long elongated cells ठीक है ठीक पचा हाँ और लाइक like शेयर में क्या जा रहा है तुम्हारा जल्दी करो देन स्पॉन्जी पारन कायमा स्पॉन्जी पारन कायमा लुक एट दिस बड़े बड़े कैविटीज है और ओवल ओवल से सेल्स है ना? मेजरली ओवल स्फेरिकल सेल्स किधर की तरफ प्रेजेंट है नीचे की तरफ प्रेजेंट है टुवर्ड्स अबैक्सियल एपिडोमिस and large intercellular space large intercellular space cool हम्म लिख लिया मूविंग टू मीजोफिल ऑफ मोनोकॉट मोनोकॉट या मीजोफिल में तो कुछ है ही नहीं नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड कहा कुछ भी नहीं है सारा एक ही टिश्यू है तो नॉट डिवाइडेड इनटू टू मीजोफिल एंड पालीसाइड फिर भी काम चल रहा है अपनी जिंदगी में दोनों के अंदर मीजोफिल के अंदर आपके पास होगा क्लोरिन सेल्स ठीक है मीजोफिल कंटेन्स क्लोरन काइमा क्लोरन काइमा क्या है What is Green which है? Green that तो काम ही वही है विच टिशू इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथसिस एपिडामिस नहीं Epidermis तो थे. उनके पास तो क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है इट इज दीज दर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस ठीक है फिर हम आते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में देन वी मूव टू वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम लेकिन उससे पहले नोटिस करो आप अगर मैं इस लीफ को बीच से काट दू ठीक है तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से में कुछ खास डिफरेंस ही नहीं है इट इज वेरी सिमेट्रिक ट्रिंग है ना वेर आज अगर मैं इसको यहां से कट करूं तो नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट दूसरे एक दूसरे से काफी अलग है कैन यू सी दिस इफ यू कट दिस फ्रॉम द मिडिल ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सिमिलर है कुछ खास डिफरेंस है ही नहीं यहाँ पे है नीचे स्पॉन्जी मिलेगा ज्यादा स्टोमेटा मिलेगा ऊपर इतना नहीं मिलेगा स्टोमेटा आपको पहले मिलेगा दैट इज वाई वी गिव डाइकॉट लीफ को नाम डाइकॉट लीफ को हमने नाम दिया डोरसी ट्रल लीफ क्यू क्योंकि देर इज अ डोर्सल साइड एंड अ वेंट्रल साइड एक अपर सर्फिस है एक लोअर सर्फेस है जबकि दिस इज नोन एज एन आइसो बायलैट्रल लीफ आइसो बायलैट्रल लीफ का मतलब आइसो मीन सेम ट्रल सिमिट्री एक लाइन ऑफ सिमिट्री दिख रही है मुझे इधर लेफ्ट और राइट सेम दिखेगा लीफ मुझे, मुझेट्रल लीफ आई विल कॉल मोनोकॉट्स एंड टू डाइकॉट ठीक टिश्यू डन ग्राउंड टिश्यू डन बचा क्या वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड मैं पे लिख रही हूँ मेरे पास यहाँ जगह नहीं है डायकॉट में स्पेशली point number 3 dicot leaf monocot leaf dicot leaf and monocot leaf in dicot leaf we are the third point vascular system अब बेटा इतनी जगह नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ पर रेडियल वैस्कुलर सिस्टम बनाऊँ या फिर आ, वो अरेंज करूँ उसको रिंग में ये जगह नहीं है मेरे पास वैस्क्यूलर सिस्टम सो वॉट एम आई गोइंग टू डू फॉर इट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कंसेंट्रेट या पैच ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम ठीक है यहाँ हमारे पास इतना टाइम और इतनी जगह नहीं है दैट आई विल गो फॉर प्रॉपर अरेन्जमेंट सर्क्यूलर है रिंग है ये है वो है वो सारी जगह ही नहीं है जरा सा तू हमारे पास राजक्यूलर सिस्टम की जगह ठीक सो वॉट वी डू इन डायकॉट डाइकॉट का लीफ आपको अगर याद हो तो बचपन में पड़ा था वेनेशन डायकॉट की लीफ में आपको रेटिक्यूलेट वेनेशन मिलता है रेटिक्यूलेट वेनेशन इज नेटवर्क लाइक रेटिकुलेट वेनेशन अब रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है एक मोटा मिड्रिप जाता है इस पत्ते में मोटा मिड्रिप होगा उससे और थोड़े बड़े बड़े वेन्स जाएंगे और फिर जैसे जैसे आप आगे जाओगे वो वेन्स और पतले होते जाते हैं रिमेंबर द थिकनेस ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स रिड्यूसेस ये हमारे ब्लड सिस्टम जैसा है है ना हमारे भी आर्टरीज फिर कैपिलरीज और छोटे 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 छोटा होता जा रहा है सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही हो है तो जब आप कट करोगे तो मिड रिब बिल्कुल सेंटर वाला ये सबसे थिक दिखेगा वेन्स थोड़े थिन होंगे सर्कुलर सर्कमफ्रेंस में साइज कम होगा वेनलेट्स और बिल्कुल नैरो होंगे तो जब आप कट करोगे तो आपको एक मोटी पाइप मिलेगी फिर उससे छोटी फिर और छोटी फिर और छोटी पाइप का डायमीटर कम होता चला जाएगा तो वैस्कुलर बंडल्स का जो साइज है वो रिड्यूस होता चला जाएगा सो इन दिस वी फाइंड वेरियस वेरिड साइज ऑफ वैस्क्यूलर बंडल्स वेरिड साइज ऑफ वैस्क्यूलर बंडल्स जबकि रेटिकुलेटवे यहां पर आपको अगर याद हो मोनोकॉज के अंदर जो वेनेशन होती थी दैट इज पैरल वेनेशन इज मेन ये पत्ता है मेरे पास इसमें सारे मिड रिब के साथ ही तो जा रहे हैं ऐसे से आ रहा ऑल वेन्स आर ऑफ सेम साइज रेयरली बस इतना हो जाएगा कि मिड्रिप मोटा है बाकी सारे ठीक ठाक से पतले पतले बट सारा भी साथ में जा सकता है सिमिलर साइज हो सकता है हेंस सेम साइज ऑफ वैस्क्यूलर बंडल्स सेम साइज ऑफ वैस्क्यूलर बंडल्स ठीक है लो जी, ठीक है यहाँ तक लिख लिया अब एक बार पीछे डायग्राम देख लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी और क्लैरिटी आ जाएगी लुक एट दिस यहाँ पे यह मिड ड्रिप का है थोड़ा और जाओगे साइड में छोटे और दिखेंगे बट यहाँ पे यू विल फाइंड ऑलमोस्ट द सेम साइज ऑफ एस्किलो बंडल इन द मिडल ठीक बढ़िया जी दिस इज वेयर यू कंप्लीट डाइकॉट लीफ मोनोकॉट लीफ का सारा का सारा अरेंजमेंट सो डायकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम रूट लीफ डन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेकेंडरी ग्रोथ का सेकेंडरी ग्रोथ विल नॉट टेक प्लेस इन लीफ एंड सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस इन लीफ तो ये दोनों उड़ गए एंड स्टेम में आपके मोनोकॉट में भी नहीं होगा तो मोनोकॉट का स्टेम हटा दो मोनोकॉट का रूट हटा दो तो बचा क्या सेकेंडरी ग्रोथ के लिए डाइकॉट रूट डाइकॉट स्टेम कल की क्लास में आने से पहले आप लोग डाईकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट को देख के आओगे कोई कन्फ्यूजन है तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो एंड यू कैन आस्क मी डाउट्स एज वेल ऑन स्पेशल क्लास ऑल्सो बट मेक श्योर दैट यू आर देयर कल जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है ऑन सैटरडे इवनिंग आई विल टेक योर टेस्ट ऑफ एन तो मेक श्योर sure कि आपने यहाँ तक सारा पढ़ा हुआ है कल के इस बाद एक क्लास और एंड देन देर विल बी एन ओवरव्यू और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस ठीक है तो ये बहाना नहीं चलेगा कि मैम नहीं आता है समझ नहीं आता है एक हफ्ते में अनाट क्लियर हो गया पूरा तो आई थिंक दैट यू कैन डू बेटर देन दैट एंड आई विल सी यू इन स्पेशल क्लास मैं लिंक भी भेज दूंगी बेटा आपको एंड दिस इज वेयर यू कैन फाइंड अस ऑल ऑफ अस ऑल द टीचर्स एज वेल तो आन अकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी है मैं यहाँ पे पीडीएफ भी भेज दूंगी आज की क्लास की नोट्स कंप्लीट करो रिवाइज करो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस दैट यू गेट एंड उसके अलावा अगर आप आइकॉनिक के लिए जाते हो तो प्लस बेनिफिट्स के साथ साथ यू आर ऑल्सो गेटिंग स्टडी मटीरियल स्टडी प्लानर गाइडलाइंस टेस्ट एनालिसिस पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम योर मेंटोज एंड टीचर तो हम मेंटोर भी हैं कुछ टीचर्स मतलब मेंटोज भी हैं हमारे साथ और हम टीचर्स तो हैं ही आपके साथ प्लस नोट्स भी आपके घर पहुंच जाएंगे प्रोवाइडेड आप ट्वेल्व मंथ से ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हो ट्वेल्व मंथ और मोर देन दैट ठीक है आइकॉनिक और प्लस में सारा कुछ सेम है बेटा बट दिस इज द वन दैट इज़ ओनली सीन इन आइकॉनिक लाइव डाउट क्लियरिंग वगैरह फिजिकल नोट्स आपके घर पे पहुंचना वन ऑन वन सेशन सब कुछ कोड विल बी कोमल लाइव के एल एल आई वी ई लाइव यूज दिस कोड एंड यू कैन गेट योर टेन परसेंट ऑफ नए नए काफी सारे बैचेस आते हुए दिस इज मेधावी टू पॉइंट ओ जिसमें फाइव पी एम क्लास होगी प्लांट फिजियोलॉजी की ट्वेंटी थर्ड से ठीक है तो आराम से सोच लो एक दिन दो दिन और है बट ट्वेंटी थर्ड ऑफ अक्टूबर i'm going to start with transport and plants transport in plants in details make sure that you are very 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 prepared take a pura physiology 20 din khatam last 10 days of october first 10 days of november then din, then din pura plant physiology over take a this batch starts on 22nd but i will be taking the first class from 23rd 5th of 5 p.m every day take वेरी मच न्यू बैचेज आर देयर अच्छा ट्वेंटी थर्ड को एक काउंसलिंग सेशन भी रखा है अन अकेडमी ने जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि दे वॉन्ट टू टेक अ ड्रॉप और नॉट और हाउ टू गो फॉरवर्ड और क्या क्या डिस्ट्रैक्शन हो रही हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं उनको ओवरकम करने में इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यू विल फाइंड द लिंक क्लिक ऑन इट यूज़ कोमन लाइव कोड एंड एनरोल फॉर द क्लास इज वेल ठीक चलिए बच्चा जी थैंक यू सो मच लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सेंड द पी डी एफ ऑन दैट अन अकेडमीज टेलीग्राम आई डी थोड़े दिन में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट हो जाएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब क्विकली और कल हमारा आखिरी सेशन होगा इस चैप्टर का तो मेक श्योर दैट यू आर हंड्रेड परसेंट रेडी फॉर इट ओके ऑल द बेस्ट स्टे हैप्पी स्टे हाइड्रेटेड स्टे सेफ इसके बाद आकांक्षा मैम की क्लास है कंटिन्यू करेंगे वो केमिस्ट्री स्टे देयर जल्दी से एंड कीप गोइंग कीप गोइंग फॉरवर्ड कीप प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ना है ठीक है दैट इज द की चलिए बाय बाय टेक केयर आई विल सी यू टुमारो एट इलेवन थर्टी ए एम अगेन विद सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ अनाटमी